Hello students, today will we discuss about the subject social science and their part A, geography in the chapter number 2 of the geography. The title of chapter number 2, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जो आपकी ज्योग्राफी की बुक रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट बुक है उसी का चैप्टर नंबर 2 उसके कुछ इम्पोर्टेंट MCQs के बारे में डिस्कशन करेंगे. लास्ट डे भी हम लोगों ने दिस चैप्टर से रिलेटेड MCQs के बारे में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन किया था. नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन. हाउ मच परसेंट ऑफ अर्थ एरिया इज ऑक्यूपाइड बाई लैंड. हाउ मच परसेंट ऑफ अर्थ एरिया इज ऑक्यूपाइड बाई लैंड, यानी लैंड के द्वारा जो हमारा अर्थ एरिया का सर परसेंटेज है वो कितना है. 45, 30 एंड डी ऑप्शन सी 66 और डी है 70. इट इज़ द राइट आंसर ऑफ 30%. 30% जो एरिया है वो आपका क्वेश्चन के लिए है. तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बी 30%. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड. प्राइवेट लैंड प्रॉपर्टीज आर ओन्ड बाई. प्राइवेट लैंड प्रॉपर्टीज होती हैं वो किसके द्वारा को किया जाता है. फर्स्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी, बी इंडिविजुअल, सी कम्युनिटीज और डी है स्कूल्स. तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, क्योंकि प्राइवेट जो लैंड प्रॉपर्टीज होती है वो व्यक्ति अपना इंडिविजुअल उसका उपयोग करता है. ओनर्स होता है वो इंडिविजुअल पर्सन होता है जो उसमें मनी वेस्ट करता है. तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बी इंडिविजुअल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. एन एग्जांपल ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज इज ए ऑप्शन प्राइवेट होम्स, बी लैंड फॉर कॉमन यूजेज एंड सी एग्रीकल्चर लैंड्स ऑफ इंडिविजुअल एंड डी फैक्ट्रीज. तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है कॉमन प्रॉपर्टीज का उसका मतलब होता है कि लैंड फॉर कॉमन यूजेस, कॉमन यूजेस के लिए भूमि का उपयोग करना. तो राइट आंसर इज ऑल्सो बी ऑप्शन. बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर फोर. Which of the following steps is a major threat to the environment? से कौन सा स्टेप्स है जो मेजर थ्रीट के अंतर्गत आता है वातावरण में. तो फर्स्ट ऑप्शन प्लांटिंग ट्रीज, डेजर्टिफिकेशन, प्रमोटिंग टूरिज्म एंड कुछ ऑप्शन नंबर 4 डी, यानी कि इसको बोलते हैं प्रमोटिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज. तो द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो राइट. डेजर्टिफिकेशन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बी ऑप्शन. एंड क्वेश्चन नंबर 5, द टाइप ऑफ सॉइल इज डिटरमाइंड बाई. जो टाइप ऑफ सॉइल्स होती हैं वो किसके द्वारा उनको डिटरमाइन करते हैं. लैंड फॉर्म्स के द्वारा, सॉइल इरोजन के द्वारा, वाटर सोर्सेज के द्वारा और ग्लोबलाइजेशन के द्वारा. तो राइट आंसर इसका होगा लैंड फॉर्म्स.
कि सॉइल का जो होता है वो लैंड फॉर्म के आधार पर, माउंटेंस आपका प्लेट्यूज हैं, ये सब क्या हैं, लैंड फॉर्म्स हैं, प्लेन्स हैं, तो वहाँ की मिट्टी उसके आधार पर उसको डिटरमाइन किया जाता है लैंड फॉर्म्स के आधार पर। राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5 इज ए, लैंड फॉर्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एज द एक्सपोज्ड रॉक ब्रेक ऑफ एंड स्टार्ट डिकेइंग ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। जब एक्सपोज रॉक ब्रेक ऑफ हो जाती है उसके बाद स्टार्ट डिकेइंग ड्यू टू द टेम्परेचर चेंज, जब वातावरण जब तापमान चेंज होता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है। तो द राइट आंसर ए डिफोरेशन, बी लैंडस्लाइड, सी सॉइल इरोजन और डी होता है वेदरिंग, उसको बोलते हैं वेदरिंग, मौसम, मौसम में परिवर्तन उस पर डिपेंड होता है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन, वेदरिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सॉइल इज मेड अप ऑफ, सॉइल इज मेड अप ऑफ वाटर, मेटल्स, सी ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड रॉक्स एंड डी आइस। तो राइट आंसर ऑफ द सी, क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल्स और रॉक्स दोनों से मिलकर की सॉइल का जो निर्माण होता है वो तभी होता है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सी ऑप्शन, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स डाउन द हिल कुड बी साइज ऑफ, ए ऑप्शन लैंडस्लाइड्स, बी फ्लड्स और सी ऑप्शन है आपका डिफोरेशंस और डी है वेदरिंग। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन लैंडस्लाइड्स, ए ऑप्शन इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन लैंडस्लाइड्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया आर which of the following states India are notorious for witnessing maximum number of land A Punjab, B Uttarakhand, C Tamil Nadu and D Jharkhand। तो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 बी उत्तराखंड, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डी उत्तराखंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मच टाइम इज टेकन फ्रॉम 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल ऑप्शन A 10 plus year, B 5 years, C 100 years or D few months। So, right answer is hundreds of year, decades पूरा लगता है, hundreds of year का use हो जाता है century में। Now next question 11, क्वेश्चन नंबर 11, विच पार्ट ऑफ सॉइल इज फिट फॉर वेजिटेशन, यानी सॉइल का कौन सा पार्ट होता है वो वेजिटेशन के लिए फिट होता है। देयर ऑप्शन सब सॉइल, टॉप सॉइल, सी बेदर्ड रॉक मटेरियल्स और क्ले सॉइल। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बी टॉप सॉइल, क्योंकि जो टॉप सॉइल होती है वही आपकी फर्टाइल होती है, उसी से आपकी जो वेजिटेशंस की ग्रोथ होती है उसी पर डिपेंड होती है, उसी में कभी कभी लोग जो आपके अलग से न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका भी लोग यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, इसलिए।
So B answer is right. Next question, question number 12. Overgrazing is responsible for of causing. क्या cause होता है overgrazing के लिए, उस पर क्या depend होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन है सॉइल डिप्लेशन, फ्लड्स, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड. तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 12 नंबर ए. ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सॉइल डिप्लेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कंजर्व द सॉइल. सॉइल कंजर्व्स के लिए हम किसका कौन सी वो प्लांटेशन उनका यूज करते हैं. ए ऑप्शन मल्चिंग, बी क्लियर द फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर प्रोसेस और कैटल ग्रेजिंग. आंसर ऑफ क्वेश्चन 13 ए मल्चिंग. एक तरह की एक्टिविटीज़ होती है जिसके द्वारा हम इसका इसको प्लांटेशन जो होते हैं उनको कंजर्व करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. ए ऑप्शन. एंड अगेन क्वेश्चन नंबर 14. The process of piling up of rocks to prevent water flow is called. Right answer. A option is rock dam, erosion, mulching, landslide. Right answer of question number 14 A. Rock dam. Now next question. Question number 15. The moisture of soil can be the rain by the process of counter barriers, mulching, rock dams or planting grass. So right answer of this question B, mulching. Mulching is the right answer of B. And next question, question number 16. A dripping tap is capable of wasting approximately how much amount of water per year. मतलब यदि एक ड्रिपिंग टेप जो बूंद एक एक ड्रिप करती रहती है अगर उसका आकलन किया जाए तो उसका कितने लीटर हमारा वेस्ट हो जाता है पर ईयर. 2000 लीटर्स, 1200 लीटर्स, 1500 लीटर्स, 2500 लीटर्स. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बी 1200 लीटर्स. सो द सेव्ड वाटर ऑल स्टूडेंट्स हैव इन्फॉर्म्ड दैट प्रिजर्व द वाटर फॉर फ्यूचर पर्पज बिकॉज इट इज द एसेंशियल्स थिंग्स फॉर अस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. The evaporation of water takes place due to nitrogen cycle, water cycle, cooling of ice, floods. So the right answer of question number 17 B, water cycle. कि उसका water cycle process थी है. Next है question number 18. The zone of earth where exist is called. यहाँ पर एटमोसफियर होता है, बायोस्फियर, लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर और ट्रोपोस्फियर. तो राइट आंसर ऑफ द दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 ए बायोस्फियर. बायोस्फियर मेक द एटमोसफियर. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बायोस्फियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. द लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज अर्थ, biosphere, ecosystem and vegetations. So the right answer of this questions, question number 19 C option, ecosystem. Ecosystem is the right answer of this question. Question number 20. Which of the following are protected under CITES? So aapka isma right answer hoga aapka A, monkey, dolphins,
snakes and D, rats. The right answer of question number 20 is B, dolphins. Mammals, it is a mammals, so the right answer is dolphins. Now next question, question number 21, low-lying areas are susceptible to option waterlogging, landslides, illegal mining or weathering. So the right answer of question number 21, A option. A is the right answer of the water logging. Now next question number 22. Are normally sparsely populated. Option thick forest, gangetic plains, low-lying places, cultivable areas. So the right answer of this question, question number 22, A option, thick forest. Thick forest is the right answer of this question. Now next question, question number 23. The average water consumption, one person is CU KM per year, 5500, 6000, 6500, 5900. So the right answer of this question, question number 23, B option, 6000. Now next question, question number 24, river Yamuna is getting populated due to किसके कारण ये populated होती है यमुना नदी, industrial effluents के द्वारा, forest के द्वारा, weathering या trees cutting. So the right answer of question number 24, A, industrial, क्योंकि जो industrial area होती हैं, फैक्ट्रियों से निकला हुई गंदगी, कचरा और impure water, उससे ये होता है. Now next question, question number 25, rainwater harvesting is compulsory state of Tamil Nadu, Haryana, Rajasthan, Assam. So the right answer of question number 25, A, Tamil Nadu, because Tamil Nadu varies bhi jante zyada hoti hai. चिरा पूंजी यहीं का वो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, टेरेस फार्मिंग मेथड्स ऑफ कॉमन डैस इन रीजन्स. किस सीजन में टेरेस फार्मिंग होती है, फॉरेस्ट में, माउंटेन्स, कोस्टल एरिया या प्लेन्स में. तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बी, माउंटेन्स में. टेरेस जो फार्मिंग होती है वो माउंटेन होती है, जहाँ पर सीढ़ीदार जो आपके फील्ड्स होते हैं उनको बनाया जाता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, डैश इज वन ऑफ द वेज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन. कौन सा होता है सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर, राइट आंसर ऑफ इज द ए, ट्रेसिंग कटिंग. नेक्स्ट, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर, काउंटर प्लोइंग और बिल्डिंग डैम्स. इसका राइट आंसर है सी. राइट आंसर सी, काउंटर प्लोइंग. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, डैश इज मेजर थ्रीट टू इन्वायरमेंट. कौन सा थ्रीट है, रेनफॉल, सनलाइट, डेस्टिफिकेशन, ट्री प्लांटेशन. सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28, सी ऑप्शन, डेस्टिफिकेशन. डेजर्टिफिकेशन से बोलते हैं, राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, हैवी रेन्स कॉज इन माउंटेन्स रीजन एवरी ईयर. क्या कॉजेस होता है
जो प्रत्येक वर्ष माउंटेन्स रीजन में है। मेन है अर्थक्वेक, सुनामी, लैंडस्लाइड, एक्सीडेंट्स। तो राइट आंसर ऑफ 29 सी, लैंडस्लाइड्स की वजह से इसका ऐसा संभव होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डैश आर सम ऑफ द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स। कौन सा होता है? रिवर प्लेन्स होते हैं, माउंटेन्स, थिक फॉरेस्ट या डेजर्ट्स। सो द राइट आंसर ए, रिवर प्लेन्स, जो नदियों के किनारे के खेत होते हैं वहाँ पर ऐसा ज़्यादा संभव होता है। सो द राइट आंसर ऑफ ए। नाउ क्लोज योर टूडेज वर्क एंड अगेन रिलेटेड सम videos or test paper related to this chapters. Now close your work today. Thanks. Have a good day.